के कौन से दिन हमें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए और महीने में कितने बार ट्राई करना चाहिए अगर एक या दो दिन ही हमें ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए तो क्या हमें प्रेगनेंसी कंसिव हो पाएगी फर्टाइल पीरियड कौन से होते हैं सेफ पीरियड कौन से होते हैं इसी के साथ अगर आपके पीरियड साइकिल 28 डेज़ की है कोई पीरियड कभी 30 डेज पे आते हैं कभी 35 डेज पे आते हैं तो ऐसे में हमारा ओवेल्यूशन और फर्टाइल डेज कौन से होंगे ऐसे बहुत सारे सवाल जब महिला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने वाली होती है तो उसके दिमाग में आते हैं आज हम फर्टाइल पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं यह बहुत ही कॉमन टॉपिक है पर उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमें फर्टाइल पीरियड क्या होता है प्रेगनेंसी के लिए संबंध बनाने के सबसे अच्छे दिन कौन से होते हैं इसी टॉपिक में हम बात करेंगे वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको फर्टाइल पीरियड की सारी रिलेटेड बातें आपको पता चल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टाइल पीरियड और फर्टाइल विंडो महिला के माहवारी के वो दिन होते हैं जिसमें वो रिलेशन बना ले संबंध बना ले तो प्रेगनेंसी कंसिव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मैक्सिम होते हैं ये जो फर्टाइल पीरियड मैं आपको बताने वाली हूँ वो उन महिलाओं के लिए है जिनके पीरियड रेगुलर है ट्वेंटी एट दिनों की साइकिल है थर्टी दिनों की साइकिल है जिनकी माहवारी हर महीने आती है हम सबसे पहले ओवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं क्योंकि ओवोल्यूशन ही होता है जो फर्टाइल विंडो पर पूरी तरह से फोकस करता है जब एक महिला की ओवरी में से एग रिलीज होता है तो उसको हम ओवल्यूशन बोलते हैं जिस टाइम आपका एग रिलीज होता है एग रप्चर होता है उसी टाइम पर रिलेशन अगर बना ले संबंध बना ले तो स्पर्म और एक के साथ फर्ट स्पर्म एक के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए उसे हेल्प हो जाती है आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अब ओवल्यूशन होता कब है ओवोल्यूशन जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं उसके चौदह दिन पहले तो समझ लीजिए एक वुमेन का पीरियड साइकिल है ट्वेंटी एट दिनों का उसमें आपको एक तारीख को पीरियड आ तो आपका डे वन होता है महावारी का जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई जैसे मैंने में आपको बताया ओवोल्यूशन चौदह दिन पहले हो जाता है जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं अगर एक महिला का अट्ठाईस दिनों का साइकिल है तो इसमें ओवल्यूशन कब होगा हम कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो मतलब चौदह तारीख को आपका ओवल्यूशन होगा अब आपको समझ आ गया होगा ओवल्यूशन आपका चौदह तारीख को होगा ऐसे में बहुत सारे कपल्स होते हैं जो बहुत बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से टाइम नहीं दे पाते हैं टाइम की कमी होने के वजह से वो एक ही दिन संबंध बनाते हैं पर फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी नाइनटी परसेंट प्रेगनेंसी कंसिव नहीं होती है क्योंकि देखिए ओवल्यूशन चौदह तारीख को होने वाला है लेकिन वो तेरा को भी हो सकता है और पंद्रह को भी हो सकता है ऐसा क्यों होता है आगे हम देखते हैं जो ओवरी से एक रिलीज हुआ है उसका एक टाइम पीरियड होता है अब उसकी जो एक टाइम लिमिट होती है वो ट्वेंटी फोर आवर्स की होती है जो स्पर्म्स होते हैं वो चार से पाँच दिनों तक आपके बॉडी में यानी महिला के बॉडी में जिंदा रह सकते हैं आपका जब ओवल्यूशन होता है फोर्टीन डे पर जो पीरियड पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट है जो फर्टाइल विंडो है वो अराउंड तीन से चार दिन पहले ओवल्यूशन के और तीन से चार दिन बाद ओवेल्यूशन के रहते हैं अट्ठाईस दिनों के साइकिल में आप अगर डे एट से लेकर डे एटीन तक संबंध बनाते हैं तो आपको गर्भधारण के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर समझो किसी महिला की तीस दिन की साइकिल है उसमें से आपको चौदह दिन माइनस करना है चौदह दिन घटाने हैं इसका मतलब चौदह सोलह तारीख पर आपका ओवलेशन होगा तो यहाँ पे जो सोलह तारीख है उससे तीन चार दिन पहले और सोलह तारीख के तीन चार दिन बाद आपको रिलेशन बनाना है तो आपको ये बात समझ आ गई होगी तब आपको डेली कांटेक्ट करना है या नहीं तो फ्रेंड्स आप अल्टरनेट डेज पर कांटेक्ट करो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट करना बहुत अच्छा होता है वैसे तो बहुत सारे लोग डेली भी करते हैं लेकिन अल्टरनेट डेज बहुत अच्छे होते हैं तो आपको अल्टरनेट डेज पर ही रिलेशन बनाना है पर जिस दिन ओवोल्यूशन डे है उस दिन तो आपको हंड्रेड परसेंट कॉन्टैक्ट करना है उस दिन आपके जो प्रेगनेंसी के गर्भधारण के चांसेस होते हैं बहुत ही हाई होते हैं इसी के साथ बहुत सारे ऐप्स ऐसे अवेलेबल है जिसमें आप ओवल्यूशन की डेट एक्यूरेट डेट पता कर सकते है, आपको वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगी इस आई होप आज का वीडियो आपको इजी वे से समझ आ गया होगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले